नमस्कारम दोस्तों, हमारे यहाँ भिखारियों की तीन प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पहले एक्सेप्टेबल, दूसरे रिस्पेक्टेबल और तीसरे डिमांडेबल। जो पहले प्रकार के भिखारी होते हैं वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के बाहर पाए जाते हैं। उन्हें आप जो भी दे दो चुपचाप से रख लेते हैं। आप प्रसाद देते हैं उसे भी ले लेते हैं, आप पैसा देते हैं उसे भी ले लेते हैं, आप कोई कपड़ा दे दो उसे भी रख लेते हैं, आप भोजन की व्यवस्था कर दो उसे भी ले लेते हैं। उनकी ज़्यादा इच्छाएं आकांक्षाएं नहीं हैं, उनके जीवन का गुजारा होता रहे यही उनके लिए बहुत होता है। और दूसरे तरीके के दोस्तों जो भिखारी हैं, जिन्हें मैंने रिस्पेक्टेबल भिखारी बोला, वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के अंदर पाए जाते हैं। वो बढ़िया सज धज के अंदर बैठे होते हैं, वो दान दक्षिणा तो लेते ही हैं, उसके साथ में रिस्पेक्ट भी लेते हैं। उनका हमें सम्मान करना पड़ता है, उनको हमें महाराज कह के संबोधित करना पड़ता है। उनकी जो बाहर बैठा था भिखारी उससे कुछ ज़्यादा इच्छाएं आकांक्षाएं होती हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के भीतर बैठे हुए भिखारी इतनी आसानी से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। उन्हें दान दक्षिणा के साथ में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ये सब भी चाहिए, उनकी जय जयकार हो ये भी वह चाहते हैं। और तीसरे प्रकार के जो भिखारी हैं, जिन्हें मैंने डिमांडेबल कहा, वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। कोई पद की मांग कर रहा है, कोई धन की मांग कर रहा है, कोई नौकरी की मांग कर रहा है, कोई बड़े घर की मांग कर रहा है, कोई बड़ी गाड़ी की मांग कर रहा है, कोई हवाई जहाज की मांग कर रहा है, ऐसे भिखारी आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, जिनके भीतर मांगे ही मांगे चल रही हैं, जो कहीं भी किसी भी इच्छा आकांक्षा से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। एक भीख पूरी होती है उसके बाद में हजारों भीखों को मांगने लगते हैं। मंदिरों में ऐसी भीख मांगने वालों की लाइन लगी हुई है। ये बहुत बड़े भिखारी हैं, इनकी इच्छाएं आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। और जिस भिखारी की इच्छाएं आकांक्षाएं बहुत बड़ी होंगी उसके दुख भी बहुत बड़े होते हैं। पहले प्रकार का जो भिखारी था उसकी आवश्यकता पूरी हुई, चैन की नींद सोता है। दूसरे प्रकार का जो भिखारी है वो थोड़े उससे कम चैन की नींद सोता है। और जो तीसरे प्रकार का ये भिखारी है इसे तो नींद आती ही नहीं है। एक बार समाज के लोगों ने एक व्यक्ति को अकबर के पास कुछ मांगने के लिए भेजा। वह व्यक्ति भी समाज को कुछ मिल जाए इसलिए अकबर के पास कुछ मांगने को गया। अकबर से उसकी कुछ जान पहचान थी तो उसको भीतर जाने दिया और उसने देखा कि अकबर प्रार्थना कर रहा है। और अकबर जोर जोर से दोनों हाथ फैलाए कह रहा है कि हे परमात्मा, हे अल्लाह, तू मेरे साम्राज्य को और बड़ा कर दे। यह जब उस व्यक्ति ने सुना जो मांगने गया था अकबर से कुछ, तो वो तो बहुत दुखी हुआ। उसने कहा कि मैं किस भिखारी के पास मांगने आ गया, मैं तो एक राजा के पास मांगने आया था, लेकिन जो खुद किसी से मांग रहा है वो दूसरे को क्या देगा। तो दोस्तों, यहाँ जो राजा दिख रहे हैं असलियत में वो राजा हैं ही नहीं, क्योंकि वो धन पद प्रतिष्ठा इनकी भीख मांगने में लगे हुए हैं। बाहर से वो भले ही समृद्ध दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से पूरे दरिद्री के दरिद्री हैं। तो वास्तव में धनवान वो है जिसने अपनी सारी इच्छाओं और आकांक्षाओं को त्याग दिया। जो बाहर से अपनी सारी मांगों को त्याग देता है, खाली हो जाता है, उसके भीतर अस्तित्व भर जाता है और वह परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। वही भीतरी यात्रा को कर सकता है जो बाहर से भिखारीपन से मुक्त हो गया है। धन्यवाद।